नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष जो कि पहले जनवरी में रिलीज होने वाली थी, 12 जनवरी की इसकी रिलीज डेट थी, लेकिन बाद में जिस प्रकार से इसका टीजर आया और टीजर में जिस प्रकार से एनिमेशन थे, सीजीआई थे, जिस प्रकार से भगवान श्री राम, माता सीता, बजरंग बली, इन सब का लुक था, यहाँ तक कि लंकेश का जो लुक दिखाया गया था, और बाद में टीजर को काफी ट्रोल किया गया और जिस प्रकार से पूरे देश भर में इसके खिलाफ आवाजें उठी, कई संगठनों ने फिल्म को बैन करने की मांग की, तो दोस्तों उसके बाद में इस फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई थी और नई रिलीज डेट अब अनाउंस कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 16 जून 2023 को अब ये फिल्म रिलीज होगी, आईमैक्स 3D वर्जन में रिलीज की जाएगी। आईमैक्स 3D वर्जन में रिलीज होगी, बहुत बड़े बजट की फिल्म है, 400 करोड़ फिल्म का बजट बताया जा रहा है। और ट्रोल होने के बाद में, इतनी बुराई होने के बाद में मेकर्स ने सफाई देने की काफी कोशिश की, लेकिन दर्शकों के गले उतरी नहीं सफाई, तो अब काफी कुछ चेंजिंग फिल्म में किया जा रहा है, सीजीआई में, वीएफएक्स में काफी कुछ चेंजिंग किया जा रहा है, और हो सकता है कि कैरेक्टर्स में भी जो जिस प्रकार से भगवान श्री राम को जिस वेशभूषा में दिखाया गया था, भगवा कपड़ों में नहीं दिखाया गया था, उनको मूछों में दिखाया गया है, तो हो सकता है कि काफी कुछ चेंजिंग किया जाए। अभी कुछ पता नहीं है, मेरे को पूरी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ चेंजिंग जरूर किए गए है। अब ये तो नया टीजर आएगा तभी पता चलेगा कि कितना चेंजिंग किया गया है और किस प्रकार से अब इसको सुधारा गया है, क्या ये नया रूप दर्शकों को पसंद आएगा, क्या दर्शक जिस प्रकार से चाहते थे उस तरह के कैरेक्टर्स, उस तरह के जो हमारे आइकॉनिक जो हमारे भगवान है, उनको उस तरीके से दिखाया जाएगा जिस रूप में हम उनकी कल्पना करते हैं, जिस सौम्य रूप में हम उनको देखना चाहते हैं, जिस तरह से उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, क्या उस तरह के रूप में दिखाया जाएगा, तो खैर बात की बात है। लेकिन दोस्तों मेकर्स ने एक पोस्टर जारी किया है कि अब 150 डेज बाकी है फिल्म को रिलीज होने में, और उन्होंने ऊपर ही ऊपर लिखा है जय श्री राम, और फिर नीचे लिखा है राम काज करीबे को आतुर, मतलब हनुमान चालीसा की चौपाई लिखी है कि राम काज करीबे को आतुर। और ओम राउत ने यह भी लिखा है कि हम भगवान श्री राम का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमें इसको इतना बड़ा एक इवेंट बनाना चाहते हैं, इतनी बड़ी फिल्म बनाने चाहते हैं कि पूरे देश को हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में पता चले। तो काफी ज्यादा वो कह मतलब वो ये कहते हैं कि उनका ये कहना है कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बना रहे हैं हम, जिससे भगवान श्री राम के बारे में रामायण के बारे में पूरी दुनिया को पता चल सके, हमारी सभ्यता संस्कृति इतिहास के बारे में पूरी दुनिया जान सके, ऐसा कुछ उनका कहना है। उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि 150 दिन फिल्म के रिलीज में बाकी है, तो बहुत बड़ी फिल्म हमने बनाई है और जो भी परिवर्तन किए जाने हैं वो हम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं, अब नया टीजर आएगा तब पता चलेगा कि फिल्म कैसी बनी है, क्या उन्होंने वास्तव में कुछ ऐसे चेंजिंग किए हैं ताकि लोगों को ये टीजर पसंद आ सके, फिल्म पसंद आ सके, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा के अनुरूप और आदि महाकाव्य रामायण का जो आदि महाकाव्य है रामायण, उसके अनुरूप उसमें जिस प्रकार से जो हमारे करेक्टर है, जो पात्र है, उनके बारे में वर्णन किया गया, क्या उनके अनुसार ये फिल्म बनाई गई है, क्या वैसे सही तरीके से चेंजिंग इसमें कर दिए गए, ये सब देखने वाली बात जरूर होगी। दोस्तों फिलहाल इतना ही, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम।